Welcome to my channel Maths with Magic. Today we will start our new chapter, that is chapter 15, quadrilaterals. Okay, so what is this quadrilateral? It's a four sided figure. ये क्या है? Quad का मतलब ही होता है चार साइडेड. ठीक है, तो हियर यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन अ सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक है, तो एक या ऐसा भी बोल सकते हैं पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट. चार लाइन सेगमेंट का, चार लाइन सेगमेंट से जो बनता है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. तो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रॉम्बस हो, ये सब सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल. फोर साइडेड, एनी फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्लोज बट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ओके, देखो अब इसके चार साइड है, एक दो तीन चार. तो चार साइड का नाम क्या लिख सकते हैं? नाम कैसे लिखते हैं? ए बी एक साइड है, साइड्स के नेम में लिखेंगे, साइड में ए बी. दूसरा क्या है? बी सी. नाम कैसे लिखते हैं? ये बी सी. देन सी डी एंड ए डी. दिस इज ए डी. ओके, कितने थे टोटल? फोर्थ है. इसमें फोर एंगल्स भी होते हैं, चार एंगल. सी, चार एंगल कौन कौन से हैं? देखो एक ये एंगल. ओके, एंगल्स भी क्या होते हैं? चार होते हैं. इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? या तो एंगल ए लिखो, सॉरी एंगल ए पहले, एंगल बी, एंगल सी और एंड एंगल डी लिखते हैं. इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है. और कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर एक का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? डी बी ए. क्या लिखेंगे? डी बी ए या बी डी ए बी. जिसे लिखना है उसे बीच में रखेंगे, लिखेंगे एंगल डी ए बी. फिर ए का काम खत्म, अब बी का. तो बी का जब लिखना, बी को जब बताना है तो ए बी सी, एंगल ए बी सी. जब सी की बात आ गई तो बी सी डी, जिसके बारे में बात की जाएगी उसे क्या रखना है? बीच में एंगल बी सी डी. एंड लास्ट एंगल इज एंगल सी डी ए या ए डी सी. सी डी ए. ओके, और कितने टोटल? फोर एंगल्स है. नाउ व्हाट वर्टेक्स? वर्टेक्स मतलब होता है, व्हाट इज दिस वर्टेक्स? वर्टेक्स का मतलब होता है जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आके मीट करते हैं, ठीक है. तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. जैसे देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट और ए डी एक लाइन सेगमेंट, दे आर मीटिंग हियर, ए पे आके मिला, तो दैट इज वर्टेक्स. वर्टेक्स, ठीक है. तो वर्टेक्स टोटल कितने? चार होंगे. कैसे? देखो ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट यहाँ आके मिला तो ये वर्टेक्स. ये लाइन सेगमेंट और ये ए बी और बी सी यहाँ आके मिला बी पे, तो ये एक वर्टेक्स. फिर सी डी और बी सी यहाँ आके मिला तो ये वर्टेक्स. ए डी और सी डी यहाँ आके मिला तो ये वर्टेक्स. तो कितने वर्टेक्स है? चार, ए बी सी एंड डी. ओके, ना व्हाट आर डायगोनल्स? डायगोनल्स जो होता है अपोजिट वर्टेक्स से जो मिलता है. देखो ए के सामने वर्टेक्स क्या है? सी है. तो ये जो ए सी है, डायगोनल कितने होंगे? डायगोनल्स दो, ठीक है. डायगोनल कितने होंगे? दो. कौन कौन से? ए सी एक डायगोनल है अपोजिट वर्टेक्स से जो मिलता है, ए सी एंड बी डी. ए सी एंड बी डी. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एडजेसेंट साइड. तो व्हाट इज दैट एडजेसेंट साइड? ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, अपोजिट देन अपोजिट एंगल क्या होता है. तो एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट, जैसे कहने का सेंस है, जैसे ए बी के जस्ट बगल में. तो ए बी के बगल में ए डी भी है और इस ए बी का बगल में कौन है? सी डी भी है, ठीक है, बी सी भी है. लेकिन ए डी ए बी के सी डी जो है, या सी डी बोलो या डी सी बोलो, ठीक है ना, वो पास में नहीं है, ठीक है ना. इससे जो जुड़ा है, जैसे ए बी के साथ जुड़ा कौन है? ए डी हो सकता है, या ए बी का एडजेसेंट साइड क्या हो सकता है? बी सी हो सकता है, ठीक है. उसी तरीके से बी सी का एडजेसेंट जब देखा जाए, बी सी साइड का, तो उसके सटा हुआ एक ये साइड है और एक ये साइड है, ठीक है. ये नहीं है. इसकी बात की जाए तो इससे सटा हुआ कौन है? ये साइड और
ये साइड। फिर इसकी बात की जाए तो इससे सटा कौन है, ये साइड है, ये साइड है, ठीक है। तो वर्ड कह सकते हैं कितने कितने पेयर्स हो सकते हैं। देखो पहला मान लो बी सी, ठीक है, तो एक पेयर बना बी सी के साथ किसका, सॉरी ए बी के साथ किसका बी पेयर बना, बी सी एक, फिर ए बी के साथ ही क्या बना, ए डी, ए बी के साथ ही ए डी, डन, दो पेयर हो गया। फिर दिस बी सी के साथ, ठीक है, ए बी तो बन चुका है, तो बी सी के साथ अब क्या बन सकता है, सी डी, बी सी के साथ सी डी, ठीक है, और सी डी के साथ दिस बी सी तो बन चुका है, तो अब क्या बचा, ए डी, तो ए डी सी सी डी या ए डी सी के साथ एक और क्या बनेगा पेयर, ये, ठीक है। नाउ ए डी के साथ एक पेयर सी डी का बना है, तो देख लो, तो ए डी के साथ, सॉरी ये ए डी है, ठीक है, तो यानी कितने पेयर्स बन गए, फोर पेयर्स बन गए, इज दैट क्लियर। नाउ कम टू अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब होता है सामने, तो ए बी के अपोजिट कौन है, सामने कौन है, सी डी है, और ए डी के अपोजिट कौन है, बी सी है, ठीक है, तो कितने पेयर्स बनेंगे, टू पेयर्स बनेंगे। अगर अपोजिट साइड का देखा जाए तो दो पेयर बनेगा, कौन कौन सा, देखो टू पेयर्स बनेगा, एक होगा ए बी के अपोजिट में ए बी ऑन सी डी का एक पेयर बना, इसके अपोजिट कौन है, ये, तो इसका एक पेयर बना, एंड ये ए डी और बी सी का एक पेयर बना, यानी टोटल अपोजिट साइड्स का दो पेयर बनेगा, ठीक है। नाउ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल उसी तरीके से जैसे एडजेसेंट साइड था, तो एंगल देखेंगे, इसके जस्ट बगल का एंगल ये होगा, और इसके जस्ट बगल का एंगल एक ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर इस एंगल के जस्ट बगल का एक ये होगा, और इस एंगल के जस्ट बगल का एक ये होगा, ठीक है। फिर इसके जस्ट बगल का ये तो हो गया, और इसके जस्ट बगल का क्या होगा, ये होगा, मतलब इसके जो बगल बगल में बैठा है, डेट इज व्हाट एडजेसेंट एंगल। तो कितने पेयर्स बनेंगे, देखो एंगल ए एंड एंगल बी के एक पेयर बनेंगे सी, फिर एंगल बी ए और बी का, फिर बी एंड एंगल सी का एक पेयर बनेगा, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी का एक पेयर बना, और एंगल बी और एंगल ए का तो बन चुका, फिर एंगल सी एंड एंगल डी का एक पेयर बनेगा, एंगल सी का पेयर एंगल डी के साथ बना, और एंगल सी का पेयर एंगल बी के साथ बन चुका ऑलरेडी, ठीक है। फिर एंगल डी का पेयर एंगल सी के साथ बन चुका, एंड देन एंगल डी एंड एंगल ए, मीन्स हाउ मेनी पेयर्स, फोर पेयर्स। नाउ अपोजिट एंगल मीन्स इसके अपोजिट दिस वन, एंड दिसके अपोजिट दिस वन, तो हाउ मेनी पेयर्स कैन बी फॉर्म, ओनली टू पेयर्स, एंगल ए इज अपोजिट टू एंगल सी, एंड एंगल डी, एंगल बी इज अपोजिट टू एंगल डी, ओके, यानी टू पेयर्स। नाउ एक और चीज़, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब यहाँ का यहाँ का यहाँ का यहाँ का, चाहे फोर साइडेड एनी फिगर, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ठीक है ना, कोई भी हो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360, याद रखना है, व्हाट इज द डिग्री, 360, ओके। नाउ लेट्स प्रूव इट, कैसे 360 आया, देखो लिखे प्रूव दैट, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी फोर साइडेड फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल जो होगा, उसके चारों एंगल जोड़ के अंदर के वो, ठीक है, वो 360 होंगे, तो कैसे आया वो हम लोग प्रूव करेंगे, ओके सी। तो देखो दिस इज द ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ कैसे करेंगे, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी एक क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, ज्वाइन करना है, ए सी को ज्वाइन करो, आपकी मर्जी, आप ए सी को ज्वाइन करो या बी डी को ज्वाइन करो, कोई एक डायगोनल को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, डायगोनल यू नो ना, ए सी को ज्वाइन करो या बी डी को ज्वाइन करो, लेकिन कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ए सी, ठीक है, ए सी को ज्वाइन कर लेंगे, लेट्स ज्वाइन इट सी, ए से सी को, डॉट से
ज्वाइन कर लिया, डन। अब देखो तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल ए था वो दो पार्ट में बट गया, वन टू पार्ट में बट गया, एक इस इधर चला गया लाइन के और एक इधर आ गया, दो पार्ट में बट गया। और ये जो एंगल सी था वो भी क्या हो गया, दो पार्ट में बट गया, एक इसका नाम थ्री और इसका नाम थ्री दे दिया और इसका नाम फोर दे दिया, ठीक है। इसका नाम, इस एंगल का नाम टू वन और इस एंगल का नाम टू। तो देखो क्लियरली कह सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल ए होगा, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के एंगल ए है, ये एंगल कैसा है, ए है। एंड एंगल थ्री प्लस एंगल फोर जो है वो जोड़ के एंगल सी है, मतलब ये एंगल थ्री वाला और फोर जोड़ के क्या है, सी है। इसे क्या मान लिया, वन मान लिया इक्वेशन, और इसे क्या मान लिया, टू मान लिया, ठीक है। नाउ आफ्टर गिविंग दिस डायगोनल वी कैन सी दिस क्वाड्रिलेटरल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स, यू कैन सी हियर। एक ये ट्राइंगल ए डी सी एंड एक ट्राइंगल ए बी सी, मतलब वी कैन सी हियर दिस क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स, ओके। तो नाउ टेल मी वन थिंग कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ट्राइंगल में ठीक है ना तीनों एंगल जोड़ के कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ना सी विल राइट, वी नो दैट दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ और ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ओके वी नो दिस। तो देखो ए फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सॉरी ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी से ठीक है ना, ए डी सी से एंगल वन प्लस एंगल वन प्लस एंगल थ्री, ये एंगल इसकी बात करें ए डी सी की, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा, डन, ओके। फिर उसी तरीके से फ्रॉम एंगल, दो ट्राइंगल बन रहा है ना, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, दिस ए बी सी ए बी सी ठीक है, एंगल टू प्लस एंगल एंगल टू प्लस एंगल थ्री फोर प्लस एंगल थ्री बी इज इक्वल टू 180, गॉट इट। ये भी हो गया, इसे ए मान लो, इसे क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है, इसे ए माना इसे बी माना। चलो ऐड कर लेते हैं, ऐड ए एंड बी, ए और बी को ऐड कर लेते हैं, मतलब ये और इसे ऐड कर लेते हैं, तो ठीक है। तो वी विल गेट एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर डी प्लस एंगल, देखो इस साइड का और इस साइड, इसका इस साइड का और इसके इस साइड का, लेफ्ट हैंड साइड एक साथ करेंगे और राइट हैंड साइड एक साथ करेंगे, ठीक है। तो ए वन प्लस थ्री प्लस डी प्लस टू एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल बी इज इक्वल टू दिस 180 प्लस दिस 180, ओके। नाउ सी, अब क्या कर लेंगे, वन और टू, वन और टू को एक साथ, देखो इस वन को और टू को एक साथ लिख सकते हैं, एंग ऐसे कर लेंगे एक साथ में, लाइन से कर लेते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू एक साथ लिख सकते हो, एंड एंगल थ्री प्लस एंगल फोर एक साथ कर लिया। अब क्या बचा, एंगल बी बचा एंड एंगल डी बचा, अरेंज करके, और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पे हम लोग ये बताओ, वन टू लाइन से कर दिया, अरेंज कर दिया, वन टू थ्री फोर, और ये वन टू का एक पेयर बना दिया और थ्री फोर का एक पेयर बना दिया, ठीक है। तो ये बताओ एंगल वन प्लस एंगल टू जो है वो क्या है, एंगल वन प्लस टू किसका सम है, एंगल ए का, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं एंगल ए, ठीक है, एंगल ए प्लस इस थ्री एंड फोर, थ्री और फोर को जोड़ के क्या है, सी है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी, ओके, एंगल बी एंड दिस एंगल डी इज इक्वल टू 360, ओके, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। नाउ टेल मी इसको कैसे, यूजिंग इक्वेशन वन
एंड टू, वन और टू को यूज़ करके, मतलब इसके जगह पे ये आया, वन माने थे और इसके जगह पे ये आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब इसको प्रॉपर अरेंज कर दें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूव हो गया। देखो ये चारों एंगल जोड़ के कितना डिग्री आ गया, 360, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल आ गया। कैसे आया समझ आ गया कि 360 कैसे आता है, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्राइंगल से बना, और ट्राइंगल एक ट्राइंगल का 180 दूसरे ट्राइंगल का 180 मिलके कितना हो गया 360, तो लिख सकते हेंस द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल इज 360 डिग्री। ओके, और वी विल डिस्कस आर एक्सरसाइज क्वेश्चन इन आर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल।